हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉन्ग मैजिक फूड। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही इजी है। इस मिठाई को आप घर पर बहुत ही आसानी से बनाकर ट्राई कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके प्रोसेस की तरफ। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए स्वीट पोटैटो, ये मीठा आलू है, इसे उबाल लें। यहाँ मैंने उबाल लिया है। और यहाँ राइस फ्लोर है, चावल का आटा, मैदा, यहाँ आप देख सकते हैं ये दूध है, और ये ग्रेटेड कोकोनट है, कद्दूकस किया हुआ नारियल और गुड़। यहाँ मैंने चाशनी बनाया हुआ है गुड़ और चीनी का। एक कढ़ाई ले और उसमें नारियल डालें और गुड़ को डाल दें। इसके बाद इसे अच्छे से मिलाएं, फ्लेम को मीडियम ही रखें और इसे डीप ब्राउन होने तक पकाएं। आप यह देख सकते हैं इस तरह से इसे आपको थोड़ी देर बाद बाद चलाते रहना है, वरना ये जल जाएंगे। यहाँ डीप ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है, तैयार हो चुका है गुड़ और नारियल। अब इसे आप उतार लें, गैस बंद करें और इसे एक प्लेट में उतार कर ठंडा होने दें। अब आलू को अच्छे से मैश कर लें, इस तरह से आप मैश कर लें। इसके बाद इसमें चावल का आटा मिलाएं और अच्छे से इसे मिक्स करें। इसके बाद इसमें मैदा डालें आप अपनी ज़रूरत के अनुसार और इसे अच्छे से गूंथ लें। आपको इसे अच्छे से गूंथना है इस तरह से, जिस तरह से आप आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए उसी तरह से। इसमें आप थोड़ा दूध डालें अगर ज़रूरत पड़े तो। यहाँ तैयार हो चुका है आटा की तरह मैंने गूंथ लिया। अब इसे गोली बनाएं छोटे छोटे, इस तरह से आपको इसका गोली बनाना है और इसमें नारियल और गुड़ को फिल करना है। यहाँ देख सकते हैं आप, इस तरह से आपको इसे फिल करना है। फिल करने के बाद आपको इसे अच्छे से फोल्ड करना है और साइड में इसका इस तरह से डिज़ाइन देना है। फिर इसे तेल में फ्राई कर ले अच्छे से, फ्लेम को मीडियम ही रखें और इसे दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर ले अच्छे से। यहाँ देख सकते हैं आपको इसे इस तरह से फ्राई करना है। फ्राई होने के बाद इसे तेल से निकालें और चाशनी में डाल दें और 1 से 2 घंटा तक इसे चाशनी में ही रहने दें। तैयार है स्वीट पोटैटो कोकोनट डिज़र्ट। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।